वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा बेटा ट्रू सॉल्यूशन की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है। आज का हमारा लेक्चर है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या होती हैं? आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज ए हेट्रोजीनियस सिस्टम इन विच वन सब्सटेंस कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज इज डिस्पर्स्ड इन अनदर सब्सटेंस कॉल्ड डिस्पर्शन मीडियम, उसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो कि हेट्रोजीनियस सिस्टम है, जिसमें एक सब्सटेंस जो कि कोलाइडल पार्टिकल कहलाता है या डिस्पर्स फेज कहलाता है, वो दूसरे सब्सटेंस जिसको डिस्पर्शन मीडियम बोलते हैं उसके अंदर डिस्पर्स्ड हो जाता है, डिजोल्व नहीं होता, डिस्पर्स्ड होता है। वो दिखता तो हमें ऐसे है नेकेड आई से कि वो डिजोल्व हो गया है, लेकिन माइक्रोस्कोप लगा के देखते हैं तो वो डिस्पर्स्ड हुआ है, डिजोल्व नहीं हुआ है। अलग अलग हम माइक्रोस्कोप से उनको देख सकते हैं, इसलिए ये हेट्रोजीनियस सिस्टम है बेटा। होमोजीनियस क्या होता है? जिसमें हम नहीं तो नेकेड आई से नहीं माइक्रोस्कोप से पार्टिकल को अलग अलग नहीं देख सकते, लेकिन हेट्रोजीनियस सिस्टम में हम पार्टिकल को अलग अलग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और सस्पेंशन की बात करें तो वहां नेकेड आई से भी अलग अलग दिख जाते हैं बेटा। तो ध्यान से देखो बेटा, कोलाइडल सोल्यूशन इसी का दूसरा नाम है कोलाइडल सोल, इसी को कहते हैं कोलाइडल डिस्पर्शन, इसी को कोलाइडल डिस्पर्शन बोलते हैं, कोलाइडल सिस्टम इसी को कहते हैं सिंपल कोलाई। इट इज ए हेट्रोजीनियस सिस्टम इन विच वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड इन another substance is called colloidal solution। ये heterogeneous system है जिसके अंदर एक substance जो colloidal particle कहलाता है या dispersed phase बोलते हैं, वो dispersed होता है दूसरे substance में जिसको डिस्पर्शन मीडियम बोलते हैं। जबकि ट्रू सॉल्यूशन में हमने क्या बताया था, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर डिजोल्व हो जाता है, जो डिजोल्व होता है वो सोल्यूट और जो डिजोल्व करता है वो सोल्वेंट, और यहाँ जो डिस्पर्स्ड होता है वो डिस्पर्स्ड फेज या कोलाइडल पार्टिकल, और जो डिस्पर्स करता है वो डिस्पर्शन मीडियम। कोलाइडल सोल्यूशन हेट्रोजीनियस सिस्टम है और ट्रू सॉल्यूशन क्या है बेटा, होमोजीनियस सिस्टम है। एग्जांपल की बात करते हैं तो मिल्क, बटर, जितने भी जूस है बेटा, जितने भी सिरप होती हैं जो पीने वाली दवाई है बेटा, आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक है, हलवा है, सोप्स हैं, सिंथेटिक डिटर्जेंट हैं, पेंट है, ऑल दीज आर फोग है, मिस्ट है, क्लाउड है, ऑल दीज आर कोलाइडल सॉल्यूशन। ये सभी कोलाइडल सॉल्यूशन है बेटा। इसके दो कंपोनेंट हैं, एक का नाम डिस्पर्स्ड फेज जिसको कोलाइडल पार्टिकल बोलते हैं और दूसरे का नाम है डिस्पर्शन मीडियम बेटा। तो नेक्स्ट है बेटा टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। कोलाइडल सोल्यूशन इज ऑफ 8 टाइप्स।
डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम की फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसके बेस पे ये होते हैं बेटा 8 टाइप के 8 प्रकार के होते हैं बेटा, ध्यान से देखना बेटा। यहां मैं लिख रहा हूं डिस्पर्स्ड फेज, दिस इज डिस्पर्स्ड फेज, दिस इज डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम, दिस इज नेचर ऑफ कोलाइडन सोल, नेचर या टाइप ऑफ कोलाइडन सोल कहो या कोलाइडन सॉल्यूशन कहो बेटा, ध्यान से देखना बेटा, ये सीरियल नंबर है बेटा। यदि डिस्पर्स फेज सॉलिड है, डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड है, उसको हम कहेंगे सोल बेटे, सोल। डिस्पर्स फेज लिक्विड है, डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड है, उसको हम कहेंगे जेल बेटा। ये सॉलिड है और ये गैस है, इसको कहेंगे एरोसोल। ये क्या है बेटा, लिक्विड, डिस्पर्स फेज लिक्विड, और ये गैस है, इसको भी हम एरोसोल कहेंगे बेटा। डिस्पर्स फेज सॉलिड है, डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड है, इसको हम कहेंगे सॉलिड सोल। डिस्पर्स फेज गैस है और डिस्पर्सन मीडियम है वो सॉलिड है, इसको भी हम कहेंगे सॉलिड सोल। डिस्पर्स फेज गैस है, डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड है, इसको हम कहेंगे फोम, FOAM बेटा। और डिस्पर्स फेज क्या है बेटा, लिक्विड है, डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड है बेटा, इसको कहेंगे इमल्शन बेटा। तो ये 8 टाइप का हो गया बेटा। तो बच गया क्या बेटा, गैस इन गैस। बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है बेटा, गैस इन गैस इज नॉट ए कोलाइडल सोल, बिकॉज गैस इन गैस इज ए होमोजीनियस मिक्सर, सो इट इज ए ट्रू सोल्यूशन, इट इज नॉट कोलाइडल सोल्यूशन, बिकॉज कोलाइडल सोल्यूशन इज ए हेट्रोजीनियस इन नेचर। दिस इज जो कॉमन कोलाइडल सोल है वो है सोल, इमल्शन एंड जेल। ये क्या है कॉमन, मोस्ट कॉमन कोलाइडल सोल, कभी पूछते हैं तो सोल, जेल एंड इमल्शन। सोल में और हम डिटेल में आगे बढ़ेंगे बेटा 12th क्लास में। एक एक्वा सोल होता है, एक हाइड्रोसोल होता है, बेंजो सोल होता है एंड सोल बेटा, ये आगे पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन बेटा, प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर ऑफ कोलाइडल सोल कहो, कोलाइडल सॉल्यूशन कहो, कोलाइडल डिस्पर्शन कहो, कोलाइड कहो बेटा, कोलाइडल सिस्टम कहो, एक ही बात है बेटा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा, कोलाइडल सॉल्यूशन इज हेट्रोजीनियस इन नेचर, कोलाइडल सॉल्यूशन नेचर में, प्रकृति में हेट्रोजीनियस होता है। पार्टिकल या कंस्टिट्यूंट पार्टिकल या कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन बट कैन बी सेपरेटेड बाय एनिमल मेम्ब्रेन और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल को फिल्टर पेपर से तो सेपरेट नहीं किया जा सकता, लेकिन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया जा सकता है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में जो पोर का साइज होता है वो छोटा होता है, तो पार्टिकल इसके अंदर नहीं आएंगे बेटे, अलग हो जाएंगे। दे कैन नॉट बी सीन बाई नेकेड आई बट कैन बी सीन बाई माइक्रोस्कोप। कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल हैं उसको हम नेकेड आई से तो नहीं देख सकते। जैसे मिल्क की हम बात करें बेटा, तो मिल्क हमें ये लगता है कि होमोजीनियस सिस्टम है, लेकिन जब इस माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वाटर अलग नजर आता है, फैट्स अलग नजर आता है, जो मिनरल है वो अलग नजर आते हैं बेटा।
तो हाँ, पार्टिकल को हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं अलग अलग बेटा, सेपरेट कर सकते हैं, और यहाँ हमें नहीं देख सकते बेटा, ट्रू सॉल्यूशन में नहीं देख सकते बेटा, न ही नेकेड आई से और न ही माइक्रोस्कोप से बेटा। ये स्टेबल भी होता है बेटा, इसको सेंट्रीफ्यूगेशन से तो ये हो जाएगा कि पार्टिकल अलग हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, नॉर्मल कंडीशन में ये स्टेबल होता है बेटा। पार्टिकल का साइज 1 से 1000 नैनोमीटर होता है बेटा, 1 से 1000 नैनोमीटर। ज्यादातर बुक्स में गलती से बेटा 1 से 100 नैनोमीटर मिलेगा बेटा, ये रॉन्ग है बेटा और ये है राइट बेटा। अब आप नैनोमीटर के मीटर बनाओ, सेंटीमीटर बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। 1 नैनोमीटर में 10^-7 सेंटीमीटर होते हैं, 1 नैनोमीटर में 10^-9 मीटर होते हैं बेटा। इट शोज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ स्केटरिंग ऑफ लाइट बाई कोलाइडल पार्टिकल प्रेजेंट इन कोलाइडल सोल्यूशन। जो आकाश का ब्लू कलर है वो स्केटरिंग ऑफ लाइट के कारण है या टिंडल इफेक्ट के कारण है। सी वॉटर का जो ब्लू कलर है वो किसके कारण है? टिंडल इफेक्ट के कारण का होता है, स्केटिंग ऑफ लाइट का हो, एक ही बात है बेटा। और कई बार आपने देखा होगा एक डार्क रूम के अंदर छोटा सा होल होता है, उसके अंदर जो सनलाइट आती है और उसका पाथ हमें ब्लू दिखाई देता है बेटा, वो भी टिंडल इफेक्ट है बेटा। और ब्लू पाथ को हम क्या कहते हैं? टिंडल कोन बेटा, सी ओनली। इट शोज ब्राउनियन मोमेंट बेटा। ब्राउनियन मोमेंट क्या होता है? इट इज ए कंटिन्यूस जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इन कोलाइडल सॉल्यूशन बेटा। कोलाइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी के लिए जिम्मेवार है बेटे कौन? ब्राउनियन मोमेंट बेटा। रॉबर्ट ब्राउन एक बोटनिस्ट हुए हैं बेटा, उन्होंने पोलन ग्रेन में ये मोमेंट देखा था बेटा। तो दिस इज ब्राउनियन मोमेंट या ब्राउनियन मोशन बोलते हैं बेटा। तो आज का हमारा टॉपिक जिसका नाम था बेटे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, उम्मीद है आप बच्चों को समझ आया होगा बेटा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।